नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र राणा। अभी तक के मेरे गृह निर्माण जो कि पूरी तरह से चूने में बन रहा है, उसके बारे में अब तक का अपडेट दे रहा हूं। ये है चूने का मसाला जो ये मिक्सचर मशीन से बनाकर यहां पर हम लोग गिरा देते हैं, जिसमें एक भाग चूना और दो भाग रेती का लेते हैं। यहां पे चूना भीगा रहता है, अभी इसमें पानी डालना है। थोड़ी देर में पानी डाल देते हैं, इसमें पूरा पानी भरा रहता है। इसमें है लपटी, जैसे गुड़ कहते हैं, वो पूरा भरा हुआ है। ये दोनों ड्रम में गोंद है। घर का ये भाग मेरा सामने ऑफिस जैसा है, जिसमें आप थोड़ी देर देख ध्यान से देखेंगे तो दो आँख एक नाक दिखेगा। सामने का भाग का भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया हूँ। इस घर का ये मेन गेट रहेगा, इंट्रेंस रहेगा समझ लीजिए, और यहाँ पर एक लगभग ये एरिया 10x30 का अपना ये बरामदा जैसे रहेगा। यहाँ पर तीन आर्च आएंगे, ये जो भी इसका चालू नहीं हुआ है इसका निर्माण कार्य, ये इसका यहाँ पर तीन आर्च रहेंगे और ये घर का मुख्य द्वार होगा। अब ये मेरे घर का एक ऑफिस है, घर के बाहर एक बैठक टाइप का, कोई भी व्यक्ति बाहरी आया तो यहाँ बैठकर उनसे बात कर सकते हैं बिजनेस संबंधी या कुछ भी। इस घर में किसी भी प्रकार की RCC का प्रयोग नहीं के बराबर किया गया है। जो भी देख रहे हैं आप, ये सभी आर्च में ही बनाया गया है। ये जो यहाँ पर RCC देख रहे हैं, ये टाई बीम का एक निकला हुआ भाग है। इसके ऊपर टाई बीम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आर्च दिखेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक खिड़की है, खिड़की के ऊपर ये टाई बीम है, टाई बीम के ऊपर एक आर्च दे दिया है मैंने, ताकि पूरा लोड एक खाली स्थान पर ना आए। उसी तरह से यहाँ दरवाजा में एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर एक टाई बीम गया, टाई बीम के ऊपर एक आर्च है पूरा लोड को बियर करने के लिए। चूंकि ये उत्तर पश्चिम भाग है, इसलिए ये दीवार जो है 18 इंच की है, ऊपर 14 इंच है, नीचे 18 है, पूरा ये 18 इंच है, ताकि पूरा टेम्परेचर पूरा रोक दे, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म भाग यही रहता है। ये कमरे का एक रूप का एक खिड़की है, बाद में इसमें ग्रिल और खिड़की वगैरह लगेगा। ये दूसरी खिड़की है और ये प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। और यहाँ पर ये ब्रह्म स्थान है, जिसमें अभी फिलहाल चूना भीगा हुआ है। इसमें आर्च बनकर ये चार स्तंभ बनेंगे और ये बीच के स्थान खुला रहेगा। फिर यहाँ भी वैसी ये आला बना हुआ है, ये निकल जाएगा ईंट, और इसमें वैसे ही ऊपर की तरफ ये टाई बीम गया है, और सबसे ऊपर में भी फिर से एक टाई बीम है। ये कमरा है, कमरे के ऊपर भी पत्थर की सिल्ली डली हुई है, पत्थर सिल्ली के ऊपर टाई बीम है। ये एक रूम है, कमरा है, ये इस तरह के आर्च से एक आला बनाया गया है जो कुछ भी रखने उखने का काम आएगा। ये बाथरूम का भाग है, एक खिड़की है, खिड़की के ऊपर वैसे फिर आर्च बना दिया गया, ऊपर में एक रोशनदान दे दिया गया है। इसका कुछ भाग, नीचे का भाग, ये सीमेंट से किया गया है। उस समय मेरे पास चूने की उपलब्धता नहीं थी, तो नीचे का भाग मैंने सीमेंट से किया था। एक
और कमरा है, इसमें भी उसी पद्धति से आर्ट से बनाया गया है, ऊपर में रोशनदान है। इस कमरे में मैं कांच की खिड़कियां नहीं रख रहा हूँ, इसमें सब ये लकड़ी की खिड़कियां रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है, लगभग 49 डिग्री, तो टेम्परेचर में मुझे ऐसा महसूस होता है इस दिशा में कांच की खिड़की ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस ड्रम में मैं अभी से जो चूने का बहुत ही महीन बारीक कण होते हैं उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, ताकि जब भविष्य में प्लास्टर होगा तो उसके बाद पुट्टी का काम आएगा। ये किचन है, किचन जाने का रास्ता, एक कॉमन बाथरूम होगा, एक किचन, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक स्टोर रूम है, और किचन स्टोर रूम के ऊपर एक स्टोर रूम आ जाएगा, जिसे हम लोग लोकल भाषा में पटाव बोलते हैं। ये फायर प्लेस है, इसको बनाने के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा था, क्योंकि मैं सामान्य रूप से इसे सामान्य चिमनी जैसे समझ रहा था, किंतु यह चिमनी जैसे नहीं है। इसके अंदर का भाग जो है, इसमें जो दीवार है वो इस तरह से कर्व करके है, ताकि टेम्परेचर अंदर में रुके और धुआं यहाँ से फिर कर्व करके ऐसे है, तो बीच के भाग से धुआं निकलेगा और टेम्परेचर अंदर आ जाएगा। ये पत्थर जो देख रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह के ईंट आ जाएंगे, पत्थर दब जाएगा। सीढ़ी है, लिंटर में इस तरह के गाटर रख रहा हूँ, ये दो क्रॉस गाटर है, इसकी स्ट्रेंथ आप ये समझ लीजिए ये 1 फुट में 4.5 kg है, और इसके बाद इसमें 100 फीट में इसमें गाटर रखाएगा, उसके ऊपर पत्थर आ जाएगा, जो पहले मैंने दिखाया था वही पत्थर। ये जो भाग है इसके ऊपर वही जो बोला था स्टोर रूम टाइप का रहेगा, जिसे हम लोग लोकल भाषा में पटाव बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।